पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति तृतीय अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट के 1 करोड़ रुपए का ताज इंडियन रेलवे के सिर सजा। इंडियन रेलवे की टीम ने रोमांचक मुकाबले में सर्विसेज की टीम को शिकस्त देते हुए फाइनल मुकाबला जीता। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार ने विजेता टीमों को बधाई और पुरस्कार देकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों की खेल भावना की सराहना की। समारोह के दौरान प्रसिद्ध खिलाड़ियों और सांस्कृतिक टीमों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार ने फाइनल मुकाबले के लिए इंडियन रेलवे और सर्विसेज की टीमों के खिलाड़ियों का परिचय लिया और उनके बीच 1 करोड़ रुपए का इनाम का मैच भी शुरू करवाया। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ जिसमें इंडियन रेलवे ने 41 अंक प्राप्त किए जबकि सर्विसेज की टीम को 37 अंक प्राप्त हुए। मैच के मध्यांतर तक इंडियन रेलवे ने 25 जबकि सर्विसेज की टीम ने 19 अंक प्राप्त किए थे। मुख्य अतिथि ने इस दौरान पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेलों विशेषकर कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए यह सबसे बड़ा मंच है जहां विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए जबकि द्वितीय तृतीय और चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को भी क्रमशः 50 25 और 11 लाख रुपए की भारी भरकम राशि प्रदान की जाती है। आज न्यूज के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।